फोकस किए थे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल का टॉपिक है वेरीफाइड ट्रुथ टेबल ऑफ डिफरेंट लॉजिक गेट्स। आज हम लोग और को वेरीफाई करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने सिलेबस में बताया था, और गेट का सिंबल है, उसका लॉजिक है और ये ट्रुथ टेबल है, तो इसी टेबल को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आप टेबल को ध्यान से देखिए। टेबल में आउटपुट आपका 1 तभी है जब इनपुट आपका एक इनपुट भी 1 है। ठीक है, जब एक इनपुट भी 1 है तो आपका और 1 हो रहा है, दोनों इनपुट 1 है तो 1 हो गया ही होगा। अगर दोनों इनपुट 0 है तो आपका आउटपुट 0 है। इसी को हम जो लॉजिक गेट का सिस्टम है उससे हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये ऑपरेटर है हमारा, लॉजिक गेट का ऑपरेटर है। ये आपको कंप्लीट लिखा हुआ देखिए, इस पे फोकस कीजिए। ऑपरेटर्स टू स्टडी लॉजिक गेट्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 नॉब है आपका। ठीक है, 2 लाल है 2 काला है। ये दोनों लॉजिक 0, यहाँ से जब हम इनपुट 0 देंगे 0 के लिए, और यहाँ से इनपुट लेंगे जो 1 है, तो ये 0 इनपुट के लिए है, ये 1 इनपुट के लिए। हमारे पास सारे गेट्स हैं, यहाँ पे एन गेट है, और गेट है, इधर नॉट गेट है, नैंड गेट है और नॉर गेट है। ठीक है, अब एक एक करके वेरीफाई करेंगे। ये इनपुट का था और ये आउटपुट का। यहाँ देखिए एक एलईडी लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है इधर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वायर कनेक्टर है, तो ये देखिए और गेट को हम लोग वेरीफाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पे टू टेबल, इस पर जरा फोकस कीजिए। हाँ देखिए, इसमें हम सर आप आज इसको लिखिएगा, आप इधर आ जाइए। अब देखिए, और गेट में हम पहला वेरीफाई करते हैं 0 0 का। ए में 0 लिखिए और बी में भी 0। अब देखिए आउटपुट क्या होगा, अभी हम चेक कर लेंगे, उसके बाद उसमें लिखेंगे। तो ए में देखिए, और गेट का ये 0 आपका पहला इनपुट लगाए और ये 0 में लगा दिए, ये 0 में लगा दिए, मतलब पहला हम और गेट का इनपुट 0 दे दिए। अब सेकेंड इनपुट देते हैं, ये सेकंड इनपुट, ये भी 0 दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, और गेट के दोनों इनपुट में 0 0 डाल दिया। यहाँ देखिए 0 है, यहाँ भी 0, दोनों में हम 0 डाल दिया। अब आउटपुट हम क्या देखिए, आउटपुट लगाते हैं। आउटपुट कनेक्ट कहाँ से करेंगे, जो एलईडी लगा हुआ है हमारे पास, लाइट इमिटिंग डायोड, उससे कनेक्ट करेंगे। सर जरा इसको इधर देखिए। अब देखिए, ये लाइट नहीं जल रहा है, लाइट नहीं जल रहा है मतलब आउटपुट 0 है, तो आउटपुट हमारा 0 हो गया। ठीक है, जब लाइट जलेगा मतलब आउटपुट 1 होगा, तो एक हमारा कम्बिनेशन वेरीफाई हो गया। अब सेकंड कम्बिनेशन पे करते हैं, चलिए इसको फिर खोल देते हैं। ये हमने खोल दिया, चलिए एक इनपुट हमने रहने दिया 0, बी वाला 0 है, उसमें लिख दीजिए बी वाला 0, जरा उधर दिखा दीजिए। बी हमने 0 लिख दिया और ए को कर दीजिए 1, तो हम ए को लगा देते हैं 1 से, ए को लगा दिए 1 से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनपुट, एक इनपुट 0 है बी, एक इनपुट 1 है। अब हम आउटपुट देखते हैं हमारा क्या आता है। अगर लाइट ये एलईडी जलेगा इसका मतलब आउटपुट 1 आ रहा है, अगर नहीं जलेगा तो आउटपुट 0 आ रहा है। ये हमने आउटपुट लगाया, देखिए ये लाइट आपको एलईडी जल गया, इसका मतलब आउटपुट 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम दो कम्बिनेशन और बचे उसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए इसको खोल देते हैं, इसको भी हमने खोल दिया, इसको भी खोल दिया। बार बार इसलिए खोल रहे ताकि आपको पता चले। अब हम थर्ड कम्बिनेशन लेते हैं 0 1, ए को हम करेंगे 0 और बी को करेंगे 1, तो ए देखिए, ए मैंने लगा दिया 0 में, ए लगा दिया 0 में। ठीक है, और बी लगा रहे हैं 1, बी लगाए हम 1। अब आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है, लाइट जल गया, इसका मतलब आपका जैसे देखो हाँ 1 हो गया, आउटपुट 1 हो गया। देखिए टेबल पे दिखाइए, वहाँ टेबल पे फोकस कीजिए। हाँ देखिए, थर्ड कम्बिनेशन भी हो गया हमारा। अब हम लास्ट कम्बिनेशन को दिखाएंगे, ये हो गया। हाँ अब टेबल पे दिखाइए। अब हम एक बार ए इनपुट 1 लेंगे और बी इनपुट भी 1 लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हाँ अब यहाँ फोकस कीजिए, देखिए पहला इनपुट भी हमने 1 कर दिया
मैंने ए को वन सप्लाई कर दिया मतलब हाई वोल्टेज, बी को भी वन सप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट हमारा देखिए आउटपुट क्या आता है, लाइट जल गया थोड़ा सा इधर कर दीजिए, हाँ लाइट जल गया मतलब आउटपुट वन हो गया। तो हमारा चारों वेरी उधर दिखाइए तो वन वन, अब देखिए कम्बिनेशन आपका चारों वेरीफाई हो गया और गेट में जब जीरो जीरो लिए तो आउटपुट जीरो आया, वन जीरो लिए तो आउटपुट वन आया, जीरो वन लिए तो आउटपुट वन आया और वन वन भी लिए तो आउटपुट वन ही आया। मतलब आउटपुट आपका वन होगा अगर एक भी इनपुट वन है, मतलब एक भी इनपुट हाई वोल्टेज है तो आपका आउटपुट हाई वोल्टेज होगा। तो इस तरह से हमारा और गेट वेरीफाई हो गया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में एंड करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके। अब इसको भेजिएगा ना।